he started his career. And that time, he did not have anything. He had only one beat-up car, एक पुरानी कार थी एंड $100, $100 थे, एक कार थी. ओके, ही वॉज नॉट स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल, प्रोफेशनल नहीं चलो, कुछ भी ना चलो, बट ही न्यू वन रेसिपी. एक रेसिपी आती थी, व्हाट वाज दैट, हिज मदर वाज परफेक्ट इन मेकिंग लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ चिकन. जो KFC खाते वो रेसिपी इनके माँ को आती थी, वो जो माँ इनको सिखाए थे. ही न्यू ओनली वन थिंग एंड ही नॉक्ड ऑन डोर्स ऑफ मेनी होटल्स. इट इज सेड, इट इज रिटन, आई रेड इट इन बुक्स, कि ही नॉक ऑन 1,000 डोर्स. ही अप्लाई फॉर जॉब एट 1,000 प्लेसेस बिफोर ही गॉट हिज फर्स्ट जॉब. 1,000 होटलों गए थे, काम ही मौका नहीं दिया, क्योंकि ही वॉज नॉट ए शेफ, ही वॉज नॉट ए कुक, बॉर्सी नहीं थे. लेकिन जब उन्होंने गए, जब उनको मौका मिला, उसके बाद 60 प्लस में शुरू करे. आज की दुनिया में KFC फैले हुआ है, समझ जाना. सो जो कहानी है ना, इसको बोलते हैं हम रैक्स टू रिचेस. बोलते क्या बोलते, रैक्स टू रिचेस, मतलब गरीबी के दलदल से निकल के अमीर के आसमान को चले गए, बोले ऐसा. तो वी हैव मेनी स्टोरीज. जैक मा चाइना के जो है, अली बाबा जैसे इंडिया में अमेजोन, दुनिया में अमेजोन मशहूर है, चाइना में अली बाबा बोल के है ऑनलाइन. जैक मा उसके जो थे, उन्होंने हार्वर्ड में अप्लाई करे, 20 बार फेल हो गए, एडमिशन नहीं मिला उनको. ओके, नाउ ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. तो देर लॉट्स ऑफ स्टोरीज. कई लोग गरीब थे, मेहनत करे, डेडिकेशन, परसिवियरेंस, ग्रिट, सारी खदमी थी लोगों की, एंड दे स्केल ग्रेट हाइट्स, बहुत तरक्की करे वो लोग. सीधा एग्जाम्पल, हियर हिस्ट्री इज रिप्लीट विद, मतलब फुल है रैक्स टू रिचेस स्टोरीज. रैक्स टू रिचेस स्टोरीज मतलब तारीख भरी हुई है ऐसी कहानियों से. कौन सी कहानी है, कि कोई झूठे कहानियां नहीं होते, मतलब रियल स्टोरी में जो लोग तरक्की करे. ओके, नाउ रिपीट आफ्टर मी. हिस्ट्री, History. हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ रैक्स History टू रिचेस स्टोरीज. is replete हिस्ट्री इज रिप्लीट विथ रैक्स टू रिचेस स्टोरीज. Shall I move on? No. Who wants to read? Muskan, read all three. Now, let's learn a few words with P silent. जहाँ P silent रहता. Okay. The first word we have got here is, how do you pronounce it? हाँ, रिसीट बोलना. रिसीट नहीं बोलना. उर्दू में रसीद बोलते, उर्दू में क्या बोलते, रसीद बोलते. इंग्लिश में रिसीट बोलते, क्या बोलते, रिसीट. आर ई सी आई ई टी का जवाब, पी निकाल निकाल जवाब है. रिसीप्ट नहीं बोलना, रिसीट. ओके, समझते, रिसीट बोलते आप. इफ यू मेक अ परचेस, कुछ खरीदे आप, तो आपको मिलता हो. ओके, सीधा एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल, कैन आई हैव रिसीट प्लीज, पूछ रहा हूँ क्या रिसीट मिल सकती है मेरे को. आई नीड टू कीप इट एज अ प्रूफ ऑफ परचेस. मेरे को रखना है बाद में दिखाने का, कि मैं ये फुला डेट को खरीदी थी. अगर आइटम डिफेक्टिव है, चेंज, उसको एक्सचेंज करने के वास्ते आई नीड अ प्रूफ. रिपीट आफ्टर मी. रिसीट, रिसीट, रिसीट. रिसीट. कैन आई हैव रिसीट प्लीज, कैन आई हैव रिसीट प्लीज. आई नीड टू कीप इट एज ए प्रूफ ऑफ परचेस. आई नीड टू कीप इट एज ए प्रूफ ऑफ परचेस. कैन आई हैव रिसीट प्लीज. आई नीड टू कीप इट एज ए प्रूफ ऑफ परचेस. चलिए, फिलहाल मुम, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, साइकियाट्रिस्ट. ओके, पी साइलेंट है. ऐसे बहुत से वर्ड्स है PSY के, साइकोलॉजी है, साइकिक है, ओके, साइको साइकोपैथ है, ओके, सिकोफंड से, बहुत से वर्ड्स है जहां पे पी साइलेंट है. ओके, साइकोलॉजी भी एक है. साइकियाट्रिस्ट क्या मतलब, दिमाग के डॉक्टर, दिमाग के डॉक्टर. ओके, साइकियाट्रिस्ट, दे काउंसल, वो काउंसलिंग करते, समझाते करते. सीधा एग्जाम्पल, हिज फ्रेंड्स अर्ज्ड हिम टू सी अ साइकियाट्रिस्ट. अर्ज्ड हिम का मतलब आजीज, नहीं किसी को फोर्स करना, शिद्दत से ताकीद करना कि करो कैसा भी. आई अर्ज यू, आपको बोल रहा है कि बोल रहा हूँ कि आप कैसे भी होमवर्क करके लाओ. आई अर्ज यू टू डू द होमवर्क, मतलब जॉब्स ओपनिंग है, मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके अप्लाई करो वहां पे. आई अर्ज यू टू अप्लाई. आई अर्ज यू मतलब क्या है, मैं तो आपको फोर्स नहीं, या बहुत जरूरी है, बोले साहब. बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर, कहना पड़ेंगे हम उसको, सीवियर एंजाइटी. ये क्या पढ़ेंगे, एंजाइटी. एंजाइटी मतलब डिप्रेशन, टेंशन. एंजाइटी मतलब टेंशन, डिप्रेशन. उन्हें क्या आखिरी टेंशन में उन्होंने, तुम लोग क्या बोले, जाके उनसे मिलो, साइकियाट्रिस्ट से. ओके, नाउ रिपीट आफ्टर मी. साइकियाट्रिस्ट, हिज फ्रेंड्स अर्ज्ड हिम टू सी अ साइकियाट्रिस्ट,
Because he is suffering from severe anxiety. Severe anxiety. His friends urged him to see a psychiatrist because he is suffering from severe anxiety. So let's move on. How do you pronounce it? Pneumonia. It's a kind of disease again. Okay. I do not want to divulge into details because I am not a person of medical field. Okay. It's a kind of disease. I know. Pneumonia. Achha, ek baat ye hai, ke if you read history, World War II or World War I jab hui thi, to us waqt many people were dying. Dying of war, dying of bullets. Lekin us time pe pneumonia bahut chal raha tha. Koi log aise hi mare, pneumonia se hi mare. See the example here. In the First World War, pneumonia was as deadly as bullets. Jitne log bullets se mar rahe the, utne log pneumonia se. What an outbreak of pneumonia. Jaise corona chal raha, ab to utna nahi utna khatarnak tha. Yeah, pneumonia. Pneumonia. In the First World War, pneumonia was as deadly as bullets. In the First World War, pneumonia was as deadly as bullets. Chaliye, who will read it? Sana, will you? Yeah, read all three louder and clear. Okay. और एक बात बोलूँ मैं आपको. Fluency improve करना है. तेज़ से बात करना है. तो आप कैसे मैं एक बोल सकता हूँ million dollar tip. क्या करना? Reading करना. और कैसे करना? Loud reading करना. अपन क्या करते? Reading करते ना भाई. Paper लेके बड़े आते. So we are not actually reading. Our eyes are reading. We are like scanning. Reading and perusing मतलब आप बोलना मुंह से पढ़ना. So when you read aloud, जब आप जोर से reading करते हैं, your जो आपके जो मतलब muscles वगैरह है, इसको आदत हो जाती words की हो. So make sure when you read aloud. तो दो फायदे होते. One, you are reading. Second, you are speaking, aren't you? जब जोर से पढ़ते हो speaking कर रहे ना भाई. तो you are doing two things concurrently. दो काम साथ में कर रहे हैं आप. Okay. So very good reading, mashallah. Excellent. Great job. Q. Okay, let's read some words wherein Q is silent. Yeah, how do you pronounce it? Acquaint. क्या बोलेंगे? Acquaint. Acquaint. Yeah. यहाँ पे C पढ़ रहे हैं हम, Q नहीं पढ़ रहे. Okay. Acquaintance. Acquainted का मतलब क्या है? जान पहचान. If you remember, बोला था मैं आपको, friend मतलब दोस्त को बोलते हैं. Fast friend, खास दोस्त. Bosombody, खास दोस्त. बून कंपेनियंस, जिगरी दोस्त, बचपन का दोस्त. और एक अक्विंटेंस. अक्विंटेंस का मतलब जान पहचान. सलाम वालेकुम सलाम. ओके, डू यू नो गाउस? इज योर फ्रेंड? नो, ही इज नॉट माय फ्रेंड, ही इज माय अक्विंटेंस. जान पहचान है कुछ, तो किसी चीज को जानना पहचानना उसको अक्विंट बोलते हैं. इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है, यू कैन यूज इट. आपको ये बोलना है, भाई मेरे को वो एरिया के रोडा नहीं मालूम. अक्सर बोलते ना भाई, मेरे को एबिट्स के रोड्स नहीं मालूम, मेरे को सिकंदराबाद के रोडा नहीं मालूम, या फिर मेरे को तेलुगु नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम. तो वी कैन से आई एम नॉट वेल अक्विंटेड. आई एम नॉट वेल अक्विंटेड. सी द एग्जांपल. आई एम नॉट वेल अक्विंटेड विद द रोड्स ऑफ हैदराबाद. मतलब आई डू नॉट रोम अराउंड, मैं ज्यादा फिरता नहीं, तो मेरे को नहीं मालूम रस्ते वगैरह. इट्स अ फैक्ट. ओके, आई एम नॉट वेल अक्विंटेड विद द रोड्स ऑफ हैदराबाद. आई एम नॉट वेल अक्विंटेड विद द रोड्स ऑफ हैदराबाद. Shall I move on? How do you pronounce it? Racket. Racket means? Very good. Great answer. हम जो badminton tennis खेलते ना, वो जो पकड़ते उसको racket बोलते. क्या बोलते? Racket. यहाँ इसके दो spellings आती. एक है R, एक है ET भी आता, वो common spelling हो. देखिए आप यहाँ पे. एक है racket और ये racket. दो same word से spelling अलग अलग है. यहाँ पे Q silent है. Okay? Hold the racket in one hand and the ball in the other. ऐसा चल के मारते ना ऐसा. तो यार रिपीट आफ्टर मी. Racket. Hold the racket in one hand and the ball in the other. Hold the racket in one hand and ball in the other. Toss the ball and hit the ball. Toss the ball and hit the ball. Okay, because I'm not well acquainted with badminton and tennis. I never played. I only play cricket. So I used well acquaintance here. Okay, do you know how to play chess? No, I'm not well acquainted with chess. Yeah, aisa samajh aaya na. Next word. Now, who wants to read? Hina.
Okay, yeah, let's move on. R, okay, this is the last letter of the day, then we will continue it on Monday, inshallah. After that, I will have a story to tell you, ek kahani bolunga main, and I supposed one of you to come here and speak it on Monday. खाली बोल दूंगा मैं कहानी, आप लोग उस जहन में रखिए, मंडे इधर आके बात करना आप लोग. डू गेट मी? तो ये लास्ट लेटर है आज का, फिर कंटिन्यू विल ऑन मंडे इंशाल्लाह. ओके, हाउ डू प्रोनाउंस इट? सरप्राइज. सरप्राइज. सरप्राइज आर साइलेंट. ओके, यू कैन प्रोनाउंस इट, बट इफ यू आर स्पीकिंग फास्ट यू कैन जस्ट से सरप्राइज. ओके, हाउ डू प्रोनाउंस दिस वर्ड? Triumph पढ़ना, कैसा पढ़ना इसको? Triumph. It's a difficult word. Repeat after me. Triumph. Triumph. इसका मतलब क्या? Victory, फतह, जीत को बोलते. Okay? The triumph came as a surprise to many fans. एक गेम हुआ, टीम जीत गई, लेकिन वो सरप्राइजिंग टीम विन थी, विक्ट्री थी. Okay? Triumph. Repeat after me. Surprise. Surprise. The triumph. The triumph. Came as a surprise to many fans. Surprise. Surprise. The triumph came as a surprise to many fans. Okay, here also R is silent. February. February. Okay. B or U mila diya. R ko drop kar dijiye. Okay. We do say February. Okay. R is considered silent. February. Okay. February, February is the shortest month. Yesterday I asked you how many days, which month has 28 days. Oh, wait, Masood, which month has 28 days? February only. You are wrong. All months have. January also has 28 days. Okay. All months have 28 days. Okay. February. February. Is the shortest month. चलिए R हो गया, we'll continue with S, T, U, V, W, X, Y, Z. Inshallah, we'll do that on Monday. Just turn the camera, I have a very interesting story for you all. And I want one of you to come here and speak that on Monday. Okay? And it's a very fascinating story for our online students as well. कहानी सुनिए, इसको लिखिए क्लास के बाद, और एक कहानी बोलिए अपने किसी family member ko. Okay, shall I start? This story was told by Anas sir. Anas sir bola the kahani hai. The story is not in India, in any other country. On a particular junction, ek bus stop pe, a bus comes and stops. Bus aake ruki. A person with a gigantic physique, ek achha hatta katta mota aadmi, he boarded the bus. Bus mein chadha hon. Okay, and he took his seat. Jaake seat badh gaya. The conductor was lean and lanky. Conductor kya tha? Dubla patla tha. He was like Khadir, bag of bones. He was bag of bones. Ekdam aakhri dubla tha. So he was asking for ticket to everyone. And that day, his mannerism was rude. The way he was asking was very rude. Ekdam rude tarike se bol raha tha. Hey, ticket de, ticket de, ticket de, like that. So when he approached that huge person, like a person with gigantic physique, so pehlwan tha, uske paas gaya, jaake bola, ticket, ticket de. That person got offended, bura maan gaya, because that is not the way you ask someone. So he stood up. Who? That gigantic person. His name was Bob. His name was Bob, B-O-B, Bob. Bob stood up and said, Bob does not pay for ticket. Bob does not pay for ticket. The conductor got frightened, because he was in no position to fight with him. He was lean and lanky, bag of bones. He was not strong enough to combat with him. Usse muqabla karne ka asan utte dam nahi tha, himmat nahi thi, aur na body saath thi iski. Ek bhari maarte kanja girta the. Sajna, so he could not muster the courage to ask him twice. Kyun nahi tha puchne ki himmat nahi hui. He turned around. The conductor got frightened, turned around and went back to his seat. When he went back, he sat there and he started regretting and repenting. Baith ke afsos karna shuru kar diya, pachtana shuru kar diya. Shit yaar, oh, main itna kamzor hu, I am so timid, I am so coward.